नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिट फाइट लाइव। तो महाराष्ट्र में सियासी संकट को तैयार है। मुखिया उद्धव ठाकरे ने मार्मिक वार किया, क्या अब बच पाएगी सरकार? तीन दिन से चल रहे सियासी ड्रामे और चारों ओर से जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच आखिरकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सामने आकर इमोशनल कार्ड खेल दिया है। उन्होंने न केवल धर्म की बात करते हुए शिवसेना को हिंदुत्व का ही पार्ट बताया, बल्कि बागी विधायकों से उन्हीं के अंदाज में बात करते हुए आज की शिवसेना को बाला साहेब की शिवसेना बताया। उन्होंने भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि अगर अपनों को ही लगता है कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए तो वो उनके सामने आकर बोले, वे इस्तीफा देने को तैयार है। लेकिन शिवसेना का कोई विधायक आकर बोले तो सही। उद्धव ठाकरे के इस बयान को सियासी मैदान का धर्म युद्ध कम मर्म युद्ध कहा जा रहा है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। पहिल्या प्रथम शिवसेना हिंदुत्व, शिवसेना कोणाची? शिवसेनेने हिंदुत्व सोडले का? शिवसेना बाळासाहेबांची राहिली नाही का? मग आम्हाला ती बाळासाहेबांची शिवसेना पाहिजे? मग मधल्या काळामध्ये जे काय सगळं मिळालं ते बाळासाहेबांनंतरच्या शिवसेनेने दिलं, हे मी म्हणेन कृपा करून लक्षात ठेवा। की मी शिवसेनेचं नेतृत्व करायला नालायक आहे त्याला मला सांगा की हे पद सोडायला तयार। और चलिए अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको, कांग्रेस नेता प्रदीप चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी विचारक अमिताभ हिरावत जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी हैं और साथ ही सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। अमिताभ हिरावत जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। सर, जिस तरह से सरकार बनाना गिराना ये सब बहुत सारे राज्यों में उदाहरण दिए जा रहे थे, महाराष्ट्र का भी पहले दिया जा रहा था, लेकिन अब जिस तरह से सियासी संकट आया है, भारतीय जनता पार्टी की भूमिका यहाँ पर क्या है? क्योंकि एक तरफ तो कहा जाता है कि शिवसेना का अंदरूनी मामला, अंदरूनी लड़ाई है, इसलिए ऐसा हुआ और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक इसके अंदर रोल है, तो जो एक राजनीतिक पार्टी अपने कार्यक्षेत्र के अंदर काम करती है वह अपने हिसाब से काम हमेशा करती रहती है, और इसका जहां से उद्भव है इस समस्या का हमें वो समझना पड़ेगा कि जब शिवसेना ने और भारतीय जनता पार्टी ने साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था और खाली मुख्यमंत्री स्वयं बनने की जिद के लिए उद्धव ठाकरे ने उस युक्ति को तोड़ करके और एनसीपी और कांग्रेस के साथ में हाथ मिलाया। अगर यदि आज शिवसेना के ही कुछ लोग उस चीज़ से आहत होकर के और अलग होना चाहते हैं तो हमें उस मामले में यही कहना रहेगा कि शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने मूल सिद्धांत की ओर लौटने की प्रयास कर रहे हैं। ठीक है प्रदीप चतुर्वेदी जी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो नाराजगी शिवसेना के अंदर है और जिस तरह से फूट पड़ी, जिस तरह से ये 34 विधायक करीब अलग हुए हैं, उसकी एक वजह एनसीपी कांग्रेस है, क्योंकि उनकी वजह से तवज्जो इन्हें नहीं मिल रही थी जब मिलकर सरकार बनाई गई। देखिए, आपका कथन पर मेरा प्रश्न ये है कि इस तरह की बात, अब चूंकि जिस तरह का देश में माहौल है और जिस तरह की क्षेत्रीय सरकारों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रहार हो रहे हैं, अगर आप देखें कि पहले मध्य प्रदेश में ही एक कुटाराघात हुआ, वहाँ पर भी खरोट पर सरकार बदली गई, और उसके बाद राजस्थान में ये प्रयास हुआ, उसके बाद अब महाराष्ट्र में खेल चल रहा है। तो मेरा मानना है कि विपक्ष रहित भारत में की कार्रवाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पहले तो कांग्रेस रहित की बात करती थी, अब जब वो संभव नहीं हो पाया तो अब वो विपक्ष रहित भारत की बात कर रहे हैं, तो उसी संदर्भ में ये हो रहा है। और मैं समझता हूँ इसमें धन बल का पूरा इस्तेमाल है, और जिस तरह की बात शिवसेना से अलग हुए सरकार से नेता जो बात कर रहे हैं वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने के इच्छुक हैं, तो ये साफ साफ इंगित करता है कि उनको भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न मिला है, उनके उन्हीं के इशारे पर ये सब ड्रामा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र को खंडित करने का ये प्रयास हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचित कार्यक्रम है। ठीक है महेश शर्मा जी, ये कई राज्यों का उदाहरण दिया जा रहा है कि किस तरह से खरीद फरोख्त होती है, अपने साथ मिलाने की कोशिश, सरकार गिराने की कोशिश, कहीं कामयाबी राज्यों में मिली है और राजस्थान में भी कोशिश की गई, वो नहीं हो सका। लेकिन महाराष्ट्र का जिस तरह का सियासी संकट है, कमजोर कहाँ पर हुए और जो उद्धव का ये युद्ध है, क्या कहेंगे इसे, धर्म युद्ध है वाकई? क्योंकि जो उन्होंने जनता के सामने आकर जो बातें कही हैं, अपने दिल की बात यहाँ पर रखी, विधायकों के लिए भी कही, कहा जा रहा है धर्म युद्ध कम मर्म युद्ध ज़्यादा नजर आता है। देखिए, ये राजनीति का एक सिद्धांत है, साम दाम दंड भेद, और सत्ता ऐसी चीज़ है
जिस पे हर व्यक्ति की हर पार्टी की एक नज़र होती है कि हम सत्ता तक पहुँचे। अब उसके लिए सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। अब वो कितने किया जाता है या आरोप प्रत्यारोप की बात अलग है, लेकिन स्थिति अगर ये देखे जाए तो शिवसेना में ये इस तरह की बगावत पहली बार नहीं हुई है। पहले छगन भुजबल थे, वो अपने साथ 17 विधायक लेके गए थे अपने साथ, और उसके बाद में नारायण राव राणे थे जो अपने साथ 11 विधायक लेकर के चले गए। अब सवाल होता है कि ये इस तरह का ये बगावत अगर इनकी ये देखें बगावत क्यों हुई है, तो जिस तरह से बगावत जब सरकार का गठन महाराष्ट्र में हुआ उस दौरान, जैसा कि भाजपा प्रवक्ता जो बता रहे थे कि पहले तो बात है गठबंधन की मर्यादा उन्होंने निभाई नहीं है और वो दूसरों से जाके मिल गए जिनके अगेंस्ट उन्होंने चुनाव लड़ा, ये तो रही है बात। अब सवाल ये आता है कि अब ये ऐसी स्थितियाँ कैसे बनी हुई, तो अब इसमें यह है कि जो एक बहाना मिल गया, एक राष्ट्रपति चुनाव का भी बहाना मिल गया इसके आड़ में, और दूसरा ये है कि अपनी शक्ति प्रदर्शन का भी एक माध्यम बन गया। दूसरा अंदर शिवसेना में आज से नहीं चल रहा है, बहुत जब सरकार के गठन के बाद से ही अंदर ही भीतर ही भीतर चल रहा था, वित्त मंत्रालय को लेकर के और आपके गृह मंत्रालय को लेकर, जो कि NCP और कांग्रेस के दोनों के जो उनके जो गठबंधन है, अघाड़ी गठबंधन है, उसमें ये तो ये खेचतान वहां से चल रही थी। अब वो इस तरह से बगावत के रूप में और मौका ताड़ करके जो विपक्षी होता है वो तो उसका लाभ लेता ही लेता है, राजनीति का सिद्धांत भी यही है। अब उसमें आरोप प्रत्यारोप क्या चलते हैं क्या नहीं, आज पूरे जब राजनीति ही घात प्रतिघातों से जुड़ी हुई रही है, तो ऐसी सूरत में जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं वो एक बहनबाजियाँ जिस तरह से एक सहानुभूति लूटने की या अर्जित करने की बातें जो होती है वो किया जाता है जी। सुधांशु जी, अब सवाल ये कि क्या सरकार बच पाएगी, क्योंकि एक बात जो उद्धव ठाकरे ने कही कि अगर विधायकों को नाराजगी है, विधायक खुश नहीं है, तो वो सामने आकर बोले मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो स्थिति अभी बची हुई है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बात करने की कोशिश होती, ना कि सीधे पहले सूरत उसके बाद गुवाहाटी जाते और कागज पे अपनी ताकत दिखाई जाती जब 34 विधायक के सिग्नेचर होते, यानी ये तो तय है कि अब वो साथ आने वाली स्थितियां बची नहीं है। उद्धव ठाकरे ने एक अंतिम प्रयास किया है और प्रयास किया है कि आपसी समझौते का, जिस तरह से हमने आज टाइटल भी दिया कि धर्म युद्ध है कि मर्म युद्ध है, तो चूंकि शिवसेना की जो बुनियाद है वो हिंदू हिंदुत्व और धर्म के आधारित है, पार्टी की आप जो है वो राजनीति देखिए वो हमेशा हिंदुत्व आधारित वो रही है उनकी राजनीति, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक मार्मिक अपील की, और मार्मिक अपील ना सिर्फ उन्होंने जनता से की बल्कि उन विधायकों से की जो बागी तेवर दिखाए हुए हैं और जो इस समय पार्टी को जिन्होंने संकट में डाल रखा है, मुझे लगता है कि जो जिस तरह से महेश जी ने कहा या बाकी मेरे वक्ताओं ने कहा कि ये वहाँ का राजनीतिक संकट है और आपसी खींचतान का या विचारधाराओं के बीच में कुछ वैमनस्य पैदा हुआ है ये उसका है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे देश का जो राष्ट्रपति का चुनाव होना है उसको भी हम इससे अलग नहीं कर सकते। देखिए जिस तरह से केंद्र में जो भारतीय नीत भाजपा नीत जो सरकार है वो अपने उम्मीदवार को, उन्होंने कल अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया और उस उम्मीदवार को जिताने के लिए साम दाम दंड भेद, जैसे कि अभी कहा कि साम दाम दंड भेद जो है वो अपनाया जा रहा है, तो चूंकि कहीं ना कहीं जीत की का के जो जीत के टारगेट है उसमें कहीं बाधा जो है कुछ वोटों की आ रही है, और उसके लिए जैसे आप देखिए कि कल राजनाथ सिंह जी ने चिराग पासवान को फोन किया, वो चिराग पासवान जो नाराज होके अलग बैठे थे और चिराग पासवान ने कहा कि राजनाथ सिंह जी का मेरे पास फोन आ गया, मैं तो धन्य हो गया और मैं तो वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ही दूंगा। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं वोटों की एक राजनीति है, चूंकि महाराष्ट्र के अंदर तीन विचारधाराओं की मिलके एक सरकार बनी हुई है, अब ये तो तय है कि कांग्रेस और NCP जो है वो एक साथ जाएंगे, संकट इस चीज का है कि क्या शिवसेना अपने गठबंधन के साथ जाएगी राष्ट्रपति चुनाव में, या शिवसेना जो उसका जो मूल्य आधारित राजनीति कर रही है धर्म या हिंदुत्व को लेके वो उसके साथ जाएगी, अगर उसके साथ जाएगी तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करेगी, चूंकि व्हीप जारी होता
हर पार्टी वोट के लिए अपने यहाँ पर व्हिप जारी करती श्वेता, तो यहाँ पर धर्म संकट जो है वो शिवसेना के सामने राष्ट्रपति चुनाव का भी है। ऐसे में अगर तोड़फोड़ होती है और अगर 30 32 34 35 जो विधायक जो अपना आपको अभी अलग बताए हुए हैं, तो ये तो तय है कि उन्होंने शिवसेना से अपना वैचारिक जो नाता है वो तोड़ लिया है। तो क्या आने वाले चुनाव के अंदर वो राष्ट्रपति चुनाव के अंदर किसको वोट करेंगे, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है। नंबर दूसरी चीज ये है कि अस्थिर तो हो ही गई सरकार, तो उसका लाभ चूंकि अभी भारतीय जनता पार्टी फुल फ्रेम में नहीं है, अभी तक आप देखिए कि इस पूरे एपिसोड को लेकर भारतीय जनता पार्टी की कोई बयानबाजी नहीं हुई है, कोई नेता एक्टिव नहीं हुआ है, एक सिर्फ महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष पाटिल उनको छोड़ दे, जो ये सूचनाएं आ रही कि वो चार विधायकों को लेके जो है वो गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम राष्ट्रपति चुनाव से भी जोड़कर देखें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अमिताभ जी बिल्कुल, अब सिर्फ ये महाराष्ट्र में सरकार बचती है गिरती है या कौन बनाते इसकी बात नहीं, राष्ट्रपति चुनाव भी साथ में है, लेकिन सबसे अहम है कि अभी की जो मौजूदा स्थिति है उसको देखकर, या फिर हम बोले कि उद्धव ठाकरे ने जो आज बयान दिया, जो बात रखी अपनी, उसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि वापस स्थिति सुधर सकती है या आप लगता है कि अब तीर कमान से निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता? देखिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आज उद्धव ठाकरे ने यह भी कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार हूं और किसी अन्य शिव सैनिक को मुख्यमंत्री का पद भी दे सकता हूं। परंतु 2.5 साल पहले यही उद्धव ठाकरे ने सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की जिद को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने अपना गठबंधन तोड़ा था। और आज भी जो उनका यह कहना है कि पहले मेरे सामने आओ, मेरे सामने बैठ करके बात करो, मेरे को बोलो तो मैं ऐसा करूंगा, उसका मतलब ही ये है, आप साफ समझ सकते हैं कि किसी भी तरीके से वो उनको अपने प्रभाव में लेकर के और अपनी सरकार को बचाने का प्रयास करना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन प्रदीप चतुर्वेदी जी, आपने अभी कहा भी कि पहले तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, अब तो विपक्ष को ही खत्म करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है बीजेपी, लेकिन यहाँ अपने भी तो होते, क्या कांग्रेस कॉन्फिडेंट है कि उनके कोई विधायक नहीं जा रहे हैं साथ? श्वेता, महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो देखिए, ये जो महागाड़ी का जो बना था ग्रुप बना था, उसमें शरद पवार का ये क्रिएशन था और वो इसके प्रणेता थे, चूंकि अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और वो राष्ट्रीय राजनीति को देख चुके थे, उन्हें अनुभव था इस बात को लेकर, इसीलिए एनसीपी और कांग्रेस का भाजपा के विरुद्ध जो ताकतें थी उनका उनके साथ जाने का उनका पक्ष था, इसी गठबंधन के नाते एक हुए और शरद पवार के नेतृत्व में हुआ, वो नेतृत्व आज भी कायम है। सिर्फ अगर प्रॉब्लम है तो शिवसेना में मुख्यमंत्री उद्धव अपने संगठन और सरकार में समन्वय स्थापित नहीं कर पाए, जैसे खबरें आ रही है और जिस तरह का ये मामला सामने आ रहा है उसमें उद्धव ठाकरे की सरकार और संगठन में कहीं ना कहीं मतभेद है और इसको लेकर कहीं राजनीतिक हौपटक हुई है। लेकिन इस पूरे गठबंधन में आप देखें तो एनसीपी और कांग्रेस स्थिर है, वो दोनों आज भी एक साथ है, उनके सारे विधायक एक साथ है, उनमें कोई उथल-पुथल नहीं। लेकिन ऐसे में नुकसान तो कांग्रेस एनसीपी को भी होगा। मेरा मानना यह है कि जब कुछ निकलेगा रास्ता, बातचीत पर बात चल रही है, मेरा मानना है कि उद्धव ठाकरे अंतिम समय तक इसको प्रयास करेंगे बचाने का, और नहीं तो जो सामने है वो दिख रहा है, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस अपने स्तर पर सुदृढ़ है, कायम है और एक साथ हैं और वो मानते हैं कि ये संकट थोड़े समय के लिए है, टल जाएगा। लेकिन अगर नहीं टला और ये साथ नहीं आते हैं, शिवसेना में ऐसे फूट और अगर दोफाड़ हो गई, सब अलग ही हो गए, तो भी तो उसका नुकसान एनसीपी कांग्रेस को होगा, तो फिर उसमें तो विचार करेंगे कांग्रेस और एनसीपी मिलकर के जो भी विकल्प होगा उस पर बात करेगी। पर सवाल ये कि हम उम्मीद करते हैं कि शायद मामला सुलझ जाएगा, आपसी समझ में बातचीत के दौरान बात चल रही है, मेरा मानना है मामला आपसी स्तर में सुलझ जाएगा, उम्मीद है कि सुलझने की भी उम्मीद है मुझे कि सुलझेगा। ठीक है प्रदीप जी, ऐसा नहीं एक राज्य और रास्ते चला जाएगा जहां आप कहते हैं हमारी सरकार है। देखिए, जब संकट होता है, जब गठबंधन की सरकारें होती है, तो उसमें जो परिस्थितियां बनती हैं उसके हिसाब से राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं, जो भी होगा सामने होगा। इस पूरे गठबंधन में एनसीपी और कांग्रेस आज साथ खड़े हैं, वो इस सुदृढ़ स्थिति में है, लेकिन सवाल यह है कि अगर शिवसेना में कोई संकट है तो इसकी हल करने की जिम्मेदारी शिवसेना नेतृत्व की है, तो वो लोग करेंगे, सेटल कर लेंगे तो उस तरह बातचीत होगी, अगर नहीं हो पाएगा तो विकल्प दोनों दल बात आपस बातचीत करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि विपरीत विचारधाराओं के संगम के अंदर जो है कहीं ना कहीं उथल पुथल हो रही है? उथल पुथल तो हर राजनीति में होती है, हर घटना से होती है। विपरीत विचारधारा, मैं कह रहा हूँ आपसे, कांग्रेस की और शिवसेना की विचारधारा का बहुत फर्क पड़ता है इस राज्य की राजनीति में और ये वहां भी पड़ेगा। लेकिन जिस तरह की बात चल रही है, हमारे पर्यवेक्षक कमलनाथ जी वहां मौजूद हैं,
उनको हमारी पार्टी ने वहाँ अधिकृत किया है कि वो जाकर के स्थिति को देखते हुए सामंजस्य स्थापित करें। वो अनुभवी नेता हैं, उन्होंने चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में जो हथकंडे अपनाए थे उनको उन्होंने सामना किया हुआ है, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह के रुख अख्तियार करती है, उस सबसे निपटने के लिए उन्होंने एक अनुभवी पर्यवेक्षक को भेजा। विपरीत विचारधारा की पार्टियां ये तीनों है, और जब महागाड़ी बनाई भी गई थी पार्टी तीनों साथ में आए थे उस वक्त ये कहा जा रहा था कि सरकार चल नहीं पाएगी क्योंकि जब विचारधारा एक ना हो तो मतभेद शुरुआती तौर से बने रहते हैं। क्या आपको लगता है कि वही वजह थी और शुरुआती तौर से मतभेद थे, नाराजगी थी, कभी किसी को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, कभी किसी को ज्यादा महत्व दिया जा रहा और ऐसे में जो अपने हैं वो नाराज होते गए और वो नाराजगी आज ये रूप ले लिया उस नाराजगी ने? देखिए श्वेता, जब विद्रोह चरम रूप लेता अपना, यानी कि जब उसमें विस्फोट होता है तो कोई ना कोई माध्यम या कोई ना कोई कारण जरूर बनता है। तो ढाई साल से जो भी विरोध या विद्रोह था वो जो भी अभी बगावत लिए का झंडा लेके जो शिवसेना के विधायक घूम रहे हैं वो ढाई साल तक तो उन्होंने उस चीज़ को टॉलरेट किया। अब जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कोई है एक रणनीति जरूर है जो इस पूरे एपिसोड को राष्ट्रपति चुनाव से जोड़ रही है। हो सकता है कि कुछ लोग अपने अपने हिसाब से उसका विश्लेषण करें, लेकिन आज जिस तरह से शिवसेना लगभग जो है टूट के कगार पे, आप देखिए कि जो बगावत का जो झंडा लेके चल रहे हैं विधायक, उन्होंने तो पार्टी पे कब्जा करने तक का जो है वो एक वो निकाल लिया रास्ता। उन्होंने कहा कि सब बहुमत तो हमारे पास है तो पार्टी का सिंबल भी हमारे पास होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत जल्दी ये राजनीतिक संकट जो है महाराष्ट्र में खत्म होने वाला है, चूंकि एक बार अगर एक ही विचारधारा के लोगों में बगावत हो जाए तो उनको एक्सेप्ट करना, वो एक्सेप्टेंस आसान नहीं होती है। हमने बहुत सारे राज्यों के अंदर बहुत सारी पार्टियों में देखा है कि जब कहीं बगावत होती है या विरोध होता है या छिटक कर लोग चले आते हैं और उनको लाने का प्रयास होता है तो मन में तो हमेशा एक टीस रहेगी और वो टीस कभी खत्म नहीं होती है। और चूंकि ये राजनीति आम जीवन के अंदर भी हम नहीं खत्म कर पाते हैं तो राजनीति तो एक बहुत प्रोफेशनल जो है एक मंच है, उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि खत्म होने की। जी जी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछला जो दो साल का समय है, कोविड का जो समय रहा है, उसके अंदर 18 महीने उद्धव ठाकरे न तो अपने ऑफिस गए न किसी विधायक से मिले, तो इतने दिन तक तो चूंकि परिस्थितियां ऐसी थी तो सब लोग शांत बैठे हुए थे, पर जैसे ही नॉर्मलिसी की तरफ हम लोग आए हैं तो वो जो विधायकों के मन में रोष था, उनकी नीतियों के प्रति रोष था, तो वो फट करके अब सामने आ रहा है। महेश जी, एकनाथ शिंदे, उनकी बात की जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उनकी शिवसेना में रही, ट्रबल शूटर हमेशा कहलाए गए क्योंकि जब जब मुसीबत आई, मुश्किलें आई, शिवसेना के लिए वो डटकर खड़े रहे, आज वही ट्रबल बन गए हैं, मुसीबत बन गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें इग्नोर किया गया, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन्होंने बातें रखी नहीं, अपनी नाराजगी पहले व्यक्त नहीं की, वो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, वो मैं पहले एक पॉइंट मैंने बताया था कि जब ये अघाड़ी ये जो महागठबंधन की वहाँ जो सरकार बनाई तो उस दौरान मतलब एनसीपी और कांग्रेस को गृह मंत्रालय और ये जो इसके हिस्से में वित्त मंत्रालय दिया गया था, तो ऐसी सूरत में भीतर से तो वहाँ उसी समय मतलब इनमें अंदर ही अंदर बेचैनी चलती रही, खींचतान चलती रही, लेकिन ये जब तक तो काफ़ी दिनों तक तो ये उद्धव ठाकरे के आह्वान पे या मतलब उनके अपील से मतलब मामला दबता रहा। शिंदे जो हैं नंबर दो के नेता हैं और जो भी जैसे बताया कि भी ट्रबल शूटर हैं या ट्रबल मतलब उसको मैनेज करने वाले हैं, लेकिन अब ये है कि जो वो जो बात कर रहे हैं उसको हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू और भाजपा को समर्थन देने की बात हो रही है, तो एक तो ये बात है कि राष्ट्रपति चुनाव में कि ये अगर 34 के अगर उनको मतलब क्या अमान्य या वैसे भी कर दिया जाए तब भी उसकी जो वैल्यू है जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है जो मतों की जो है वैल्यू उसमें गटर बटर से मतलब काफ़ी कुछ फर्क पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा। दूसरा, अगर वो होता है तो एक संभावना ये है कि वहाँ सरकार अब शिंदे के नेतृत्व में बने और इसमें ये मतलब भाजपा के जो है उद्धव ठाकरे के समर्थक वो अलग रहें, और जो कि समीकरण आ रहा है जहाँ तक है कि 105 सीट बीजेपी के पास है और 55 सीटें शिवसेना के पास में, उसमें से 36 विधायक अगर आप कर दें तो
जो 36 या 34 जितना भी आंकड़ा होता है वो अगर जोड़ दें और बाकी इधर जो जो शिवसेना के बाकी जो है जो सत्ता की तरफ पलटने वाले होते हैं वो उधर आ जाते हैं। इसका पहले से जो विधान परिषद के चुनाव हुए थे उसमें ये था कि भाई बीजेपी को 4 मतलब सीटें ही जीतने को मिलेगी, लेकिन स्थिति ये है कि वो 5 जीत गए। बिल्कुल, तो इसी से संकेत मिल गया था। खबर आ रही है वो भी महेश जी देख लेते हैं। एकनाथ शिंदे ने उद्धव का ऑफर ठुकरा दिया है, ट्वीट कर कहा है एकनाथ शिंदे ने, महाराष्ट्र के हित में फैसला लेने का वक्त आ गया है, बेमेल गठबंधन से बाहर आने का वक्त आ गया है, शिवसेना बचाने के लिए गठबंधन से बाहर होना जरूरी है, कांग्रेस और एनसीपी मजबूत हो रहे हैं, ये शिंदे का कहना है। बेहद अहम बयान और ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी बात कही। हालांकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने एक अंतिम कोशिश यहां पर की थी, लेकिन एकनाथ शिंदे ने उस ऑफर को ठुकराया है और ट्वीट के जरिए अपनी बात यहां पर रखी है कि महाराष्ट्र के हित में फैसला लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि बेमेल गठबंधन जो बार बार कहा जाता है कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के बाद से ही नाराजगी चल रही थी और इसे बेमेल गठबंधन कह रहे हैं ये, और कहना इनका कि इससे बाहर आने का वक्त आ गया, शिवसेना बचाने के लिए गठबंधन से बाहर आना जरूरी हो गया है और कांग्रेस और एनसीपी मजबूत हो रहे हैं और अगर शिवसेना को बचाना है तो उस गठबंधन से बाहर आना होगा। प्रदीप जी, बेहद अहम ट्वीट। मेरा एक कयास है कि महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार बहुत अनुभवी नेता हैं और 60 साल की राजनीति उनके सामने से गुजरी है। विधानसभा में जितने सदस्य हैं वो सबका उनको राजनीतिक प्रदर्शन पता है, उनकी राजनीतिक स्ट्रेंथ पता है। मेरा अभी विश्वास है कि इस संकट में शरद पवार ही अकेले ऐसे हैं जो इस संकट मोचक को हल कर सकते हैं, और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि वो इस संकट को हल करने की चाबी उन्हीं के पास है। वो हर राजनेता को वहां उसके प्रश्न जानते हैं, समझते हैं, सारे राजनेता उनके आगे निकले हुए नेता हैं, इसलिए इस संकट को वो सरकार को बचाएंगे, किसी भी हालत में इस सरकार को बीजेपी के हाथों में जाने से बचाएंगे। और चले शरद पवार अंतिम समय तक गठजोड़ करते हुए प्रत्येक विधायक से मिलकर इस सरकार को बचाएंगे और वापस सरकार महागाड़ी चले बचाएंगे, कोशिश ये करेंगे, आपका विश्वास भी है। लेकिन दूसरी तरफ जब ये आना ही नहीं चाहेंगे, बेमेल गठबंधन, इस गठबंधन से निकलना चाह रहे हैं और ये विधायक अलग हो गए, तो ऐसे में तो बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन जानते हैं कैसे होगा, जारी रहेगा, शरद पवार जानते हैं कैसे होगा। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन इतना जरूर है कि उद्धव ठाकरे ने एक अंतिम कोशिश जरूर की थी, लेकिन इस ऑफर को भी ठुकरा दिया एकनाथ शिंदे ने। और जिस तरह से बयान सामने आया ट्वीट के जरिए ही सही कि शिवसेना को अगर बचाना है तो इस गठबंधन से बाहर होना जरूरी, यानी कि गठबंधन खत्म करने की कोशिश है और इसलिए अलग है, यानी कि साथ आने वाले नहीं है, इनके इस ट्वीट से तो यही नजर आता है। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह की कोशिश यहां पर उद्धव ठाकरे करते हैं, शरद पवार करते हैं, ताकि फिर से एकजुट हो सके, जो कि मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।